पाठ पढ़ाने का काम किया, पूरे विश्व को एक नया संदेश देने का काम किया था। विश्व कल्याण के लिए धरती को नमन करता हूँ। और आज बुद्ध जी के जन्म जयंती कार्यक्रम और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से प्रदेश सरकार की ओर से बधाइयां और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। यूथ बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर जिनके सहयोग में ये आज कार्यक्रम हो रहा है, हमें तो आपको रूबरू होने का मौका मिला है। आदरणीय भाई श्री बौद्ध जी इस सोसाइटी के सम्मानित अध्यक्ष बनते डॉक्टर उपनंद जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अजय मौर्य जी, आदरणीय योगनाथ सिंह जी, मंचा सिंह, बहुत बहुत सम्मानित लोकसभा की बधाइयों से सम्मानित सांसद, बहुत ही लोकप्रिय और यहाँ से वास्ता रखने वाले फरुखाबाद मैनपुरी से हमेशा जिनका वास्ता रहा है, आदरणीय संगमित्रा मौर्य जी। अरे भैया, यहाँ फरुखाबाद जनपद की प्रथम नागरिक जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती मोनिका यादव जी, जिनकी प्रयास से आज हम और आप रूबरू हो रहे हैं, भाई पीयूष चंदे जी, हमारे बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय बड़े भाई, सम्मानित विधायक श्री सुशील साग जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुधा चौहान जी, श्रीमती गुड़िया खान जी, पूर्व प्रधान आदरणीय श्याम बाबू गुप्ता जी, भाई विकास चौहान जी, राम प्रकाश मौर्य जी, अमरीश सिंह जी, सुरभि सिंह जी, और यहाँ पधारे हुए बहुत सारे बहुत भिक्षुक, बहुत भिक्षुओं को मैं नवोबुद्धाय करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन और सम्मान करने का काम करता हूँ। क्षेत्र के सम्मानित सभी प्रधानगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, बौद्ध धर्म के सभी पूरे प्रदेश से पधारे हुए अनुयायियों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मैं समझता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी पूरे विश्व में हैं और पूरे विश्व के तमाम देशों के लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं और तमाम स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान संस्था है। यहाँ न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से और विदेश की धरती से विदेशों के विदेशी भूमि से लोग अपनी जिज्ञासा लेकर के आध्यात्मिक सोच के साथ एकांत में मनन चिंतन करने के लिए, आराधना उपासना करने के लिए संस्था आने का काम करते हैं। काली नदी बीच में है, एक किनारे पर मैनपुरी जनपद बसा हुआ है, दूसरे किनारे पर फरुखाबाद बसा हुआ है। एकदागी एकदम सड़क तीनों जनपदों का सीमावर्ती क्षेत्र संख्या है। अभी पूर्व वक्ताओं ने और खासकर आदरणीय विधायक जी ने कुछ परियोजनाओं की चर्चा की है, जो प्रोजेक्ट उनके प्रयास से उनके पहले के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रस्तुत किए गए। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशों में, उनकी भी बड़ी इच्छा दोनों की है कि जितना भी बौद्ध तीर्थ स्थल है उनका एक समग्र रूप से बेहतरीन कार्य योजना बना के हम विकसित कर सकें, ताकि न सिर्फ हिंदुस्तान के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे विदेश की धरती से आने वाले पर्यटकों के लिए
एक आराधना उपासना के अच्छे केंद्र में जहाँ विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे। हमारा आध्यात्मिक रूप से तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से भी जब भी कोई विदेशी या कोई पर्यटक आता है तो निश्चित रूप से तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर भी देता है, स्थानीय लोगों की रोजगार के अवसर मिलते हैं, वहां भी संपन्नता आती है। इसी के अंतर्गत तो 12 टूरिस्ट सर्किट उत्तर प्रदेश में चिन्हित करके उन्हें विकसित करने का काम किया जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सर्किट को उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करने का काम करेंगे और उसी का परिणाम है। चाहे किसी ने हमें आपने देखा होगा पिछले दिनों या श्रीलंका के पूरे टीम शिष्टमंडल आया था जब आदरणीय मोदी जी के हाथों से वहां लोकार्पण वहां कुशीनगर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ केवल बौद्ध सर्किट के कारण हुआ है। पूर्वांचल में विकास की संभावना भी जबरदस्त तरीके से उससे बढ़ी है, लेकिन विशेषकर कुशीनगर का एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाने के बाद आज बौद्ध सर्किट का सबसे ज्यादा महत्व हो गया है। यहाँ बगल में आपके मोहम्मदाबाद में हवाई पट्टी बनी हुई है, यहाँ भी मुश्किल से 15-20 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। यहाँ भी हम लोगों का प्रयास होगा कि संपूर्ण रूप से इसका विकास, समग्र विकास की परियोजनाएं चालू हों। और इसी के पर्पज से आने का मतलब भी यही है, अगर मैं आ रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यटन और संस्कृति विभाग का यहाँ आने का आशय भी यही है कि यहाँ के संपूर्ण विकास के लिए समग्र योजना तैयार होके प्रस्तुत हो, कार्य योजना बने और समग्र रूप से एकरूपता के साथ, जिसमें कोई जिले का विभाजन न हो, क्षेत्र का विभाजन न हो, नदी कोई बाधा न बने, नदी के तट भी उसके विकसित हों, मैनपुरी एटा और फर्रुखाबाद का कोई विभाजन न हो, समग्र रूप से तीनों जिलों के अंतर्गत जितना भी जो भूभाग इस तीर्थ स्थल का आता है उसके समग्र रूप से विकास करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए आदरणीय अभी आपके भंते जी ने भी, आदरणीय सुरेश जी ने भी हम लोगों को मांग पत्र दिया है। देखो उससे पहले हमारे माननीय सांसद जी द्वारा, जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा और विशेष रूप से आदरणीय विधायक जी द्वारा जो कार्य योजना की चर्चा की गई है, हम लोग बैठेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बैठ के जो भी आधी अधूरी परियोजना उनको पूर्ण करते हुए बल्कि एक समग्र योजना ऐसी तैयार करेंगे कि यहाँ जब भी विदेश की धरती से या देश के अनुयायी यहाँ आए तो उनको यहाँ रुकने के लिए प्रवास में कोई कमी न हो, अपने तपस्या साधना करने में लिए उन्हें उचित स्थान मिले, ये हम व्यवस्था करने का काम करेंगे और इसके परिणाम मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेंगे। और हम लोगों का दायित्व भी है, संगीता जी को याद होगा लंबे समय बाद पर्यटन कहीं ना कहीं अपने आगरा मंडल में और फर्रुखाबाद और खासकर मैनपुरी फर्रुखाबाद में कभी सरकार में किसी के हाथ आया नहीं है। पर्यटन और संस्कृति जब मैनपुरी के हाथ आया है तो निश्चित रूप से मैनपुरी फर्रुखाबाद और एटा के लोगों के तीर्थ स्थल को नया आयाम देने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों का दायित्व है और भावनात्मक रूप से भी हमेशा जुड़े रहे। मेरी मानता है, मैं नहीं मानता क्या होगी, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध, हालांकि उन्हें धर्म और जात से जोड़ना उनके साथ अन्याय होगा, और महान थे, उनके लिए धर्म और जात का बंधन उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा, लेकिन फिर भी जहां तक जो किंवदंतियां हैं, चर्चा है, तो जैसा संगमित्रा जी बता रही थी वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था और क्षत्रिय थे तो कुल वंशियों का भी और आगे बढ़ाने का दायित्व धर्म के पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि सर्किट को विकसित करने के लिए, कि सर्किट को मुख्य रूप से संस्था से जोड़ने के लिए बौद्ध तीर्थ स्थल में एक महत्वपूर्ण कड़ी संस्था हो और इसका विकास बेहतरीन तरीके से
प्लांट वे में, ये नहीं कि ये किधर बन गया, एक घाट वहां बन गया, एक हल्का सा यहाँ हो गया। मुझे भी अवगत कराया गया कि हाँ हमारे पेट्रोल विभाग का एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, लेकिन जिन स्थिति शादी में हो जाते हैं रुकने रुकाने की कोई कार्य की व्यवस्था शायद वहाँ नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि हमारी दिखा लेते हैं उसका, मेरा ये तो शीघ्र ही प्रयास होगा कि उस पर्यटन जो यहाँ पे यात्री गृह है या पर्यटन स्थल है या पर्यटन आवास गृह है नहीं मालूम, लेकिन जो भी व्यवस्था पर्यटन की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं के लिए है, टूरिस्टों की सुविधाओं के लिए है और बौद्धिस्टों के लिए जो भी उनके अनुयायी आते हैं भगवान बुद्ध के उनके ठहरने के लिए व्यवस्था का प्रावधान पर्यटन विभाग ने किया था, लेकिन उसका उचित लाभ अभी पर्यटकों को और बौद्धिस्टों को या आने वाले यात्रियों को नहीं मिल रहा है। हम अतिशीघ्र उसको प्रयास करेंगे, वहाँ सारी व्यवस्था चार चौबंद करके उसकी यात्री सुविधा मिलना शुरू हो जाए। मेरा प्रयास होगा कि हम इस स्थल को बेहतरीन रूप में आपको सुपुर्द कर सकें, तो हम लोगों की बड़ी उपलब्धि मानेंगे। आज चूंकि हम लोगों का आगे जाना भी है, हम आते रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, आपके राय मशवरा भी करते रहेंगे और खास रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके आदरणीय विधायक जी को निवेदन करूंगा इस बार भी जब भी उनकी लखनऊ की यात्रा हो हम दोनों लोग बैठेंगे, बैठ करके इस बारे में जो भी उनके सार्थक या आधे अधूरे प्रयास हुए हैं, जो उन्होंने प्रयास किया पूरा नहीं हो पाया हो उस पर और भविष्य की प्लानिंग पर पूरी हम लोग मिलकर के चर्चा करेंगे और चर्चा करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत अच्छा मन है, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा मन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा मन है कि यहाँ का विकास उसी तरह पर हो जिस तरह से अन्य जो भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल है उसकी तरह यहाँ का संस्था को भी आगे मजबूत करने में हम लोग प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार पुनः भगवान गौतम जी के चरणों में श्रद्धा के समान अर्पित करते हुए आप सब लोगों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए आपको यहाँ बैठे हुए अपने बहुत बच्चियों को नवोबुद्धाय करते हुए उनके अनुयायियों को भी बहुत बहुत नवोबुद्धाय प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।